ईसावास्य उपनिषद में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं। आज के लिए सूत्र है, अंधम तमः प्रविशन्ति ये असंभूतिम पासते ततो भूय इव ते ममो य उ संभूत्याम रतः। अर्थात जो असंभूत अप्रकट अनमैनिफेस्ट की उपासना करते हैं वे घोर अंधकार में प्रवेश करते हैं, और जो संभूत प्रकट मैनिफेस्ट की उपासना में रत हैं वो मानो उनसे भी अधिक अंधकार में प्रवेश करते हैं। उपनिषद के इस पड़ाव पर ऋषि अपने पहले के जो कथन हैं विद्या और अविद्या के, उन्हीं को और स्पष्टता देने की कोशिश कर रहे हैं। विद्या और अविद्या के संदर्भ में जिस तरह के वाक्य का प्रयोग किया गया था ठीक वैसा ही इसमें संभूत और असंभूत शब्दों को लेकर किया है। अनमैनिफेस्टेड अप्रकट और मैनिफेस्टेड प्रकट, असंभूत हुआ अनमैनिफेस्टेड अप्रकट, और संभूत जो मैनिफेस्टेड है प्रकट है वो। जैसे अविद्या और विद्या को ऋषि ने रखा था वैसे ही यहाँ पर असंभूत और संभूत को रखकर बात करें। शब्द जैसे पुराने होते हैं तो वो बड़े कठिन से और जटिल से जान पड़ते हैं, लेकिन उनको जब हम आज की भाषा में सरल हो जाएं, सरल करके देखें तो ज़्यादा अच्छा होता है। असंभूत सीधे सीधे उसको आप ये समझें कि जो अभी प्रकट नहीं हुआ है, छुपा है, ढका है, प्रच्छन्न है, अनमैनिफेस्टेड है। अब अप्रकट के अनमैनिफेस्टेड की बहुत सी लेयर्स हो सकती हैं, एक लेयर नहीं है अनमैनिफेस्ट की, बहुत बहुत पीछे चले जाएंगे अनमैनिफेस्ट के। मैनिफेस्ट जो हुआ है, प्रकट हुआ है, उसकी भी बहुत सी लेयर्स हैं, बहुत सी परतें हैं, तो इसलिए हमको इसको बहुत ही व्यापक ढंग से देखना पड़ेगा। और आज का जो सूत्र है विद्या और अविद्या को लेकर जैसे बड़ा ही रिवोल्यूशनरी था, वैसे ही प्रकट और अप्रकट को लेकर भी ये सूत्र उतना ही क्रांतिकारी है, रिवोल्यूशनरी है। सूत्र ऋषि कह रहे हैं कि जो अप्रकट की उपासना करते हैं, असंभूत की, जो अभी प्रकट नहीं हुआ है, छुपा हुआ है, वो घोर अंधकार में प्रवेश करते हैं। अब यहां पर जो मूल बात है उसको ये ध्यान रखें, उपासना शब्द उस समय के लिए प्रचलित शब्द था। उपासना, जैसे पहले भी हमने बार बार बात कही कि उपासना निकट होना, और ऋषि कर उपासना करता है, उपासना में रत है, तो इससे अलग अर्थ निकालेंगे। और ये जो सूत्र होते हैं ना, इतने कंडेंस्ड होते हैं कि इनके अलग अलग अर्थ निकलेंगे ही, और मुझे लगता है कि यही ऋषियों की कुशलता थी कि हम अपनी समझ के विकास के साथ भी इनके नए नए अर्थों में प्रवेश करते चले जाएंगे। राधा कृष्णन जी ने एक बार उपनिषदों को लेकर एक बात कही थी और बहुत ही सटीक और अच्छी बात कही थी। उन्होंने कहा था कि उपनिषद्स आर फाइनल फेज ऑफ ह्यूमैनिटी, पिनेकल ऑफ ह्यूमन इंटेलिजेंस, अंतिम अध्याय है मनुष्यता का, प्रज्ञा का शिखर है उपनिषद। तो अब उपनिषदों के पास इस बात को जब समझें, उस समय जो टर्मिनोलॉजी थी
उन्होंने उसका उपयोग किया। आज हम इसको कहेंगे ग्रस्तता, ऑब्सेशन, क्योंकि अभी इसके बाद जो सूत्र लेकर आ रहे हैं ऋषि, उसमें वो इस जैसे विद्या और अविद्या का संतुलन उन्होंने स्थापित किया था, वैसे ही इसमें भी वो संतुलन की बात अगले सूत्र में करेंगे। अभी वो उसको अलग अलग करके सामने रख रहे हैं, यानी कि स्टेप बाय स्टेप हर चीज हमारे लिए बिल्कुल स्पष्ट होती चली जाए। ग्रस्तता घातक है। ग्रस्तता, ऑब्सेशन किधर भी हो, वो व्यक्ति को अंधकार में ले जाता है, यानी कि उसको भटकाता है, उसके जीवन में दुख लाता है, परेशानी लाता है। अन्यथा जो जो है सो है, अप्रकट अप्रकट है, अनमैनिफेस्टेड अनमैनिफेस्टेड है, प्रकट प्रकट है, मैनिफेस्टेड मैनिफेस्टेड है, समस्या तो कोई नहीं। अस्तित्व की इस व्यापकता में, उसके इस सारे कार्य व्यापार में कहीं कोई समस्या नहीं है। समस्या है मनुष्य के देखने के ढंग पर और उसके ऑब्सेशन पर कि हम किधर की तरफ ज्यादा झुकाव पैदा करेंगे। और जीवन समग्रता में है। जीवन तो दो दिशाओं का, दोनों ध्रुवों का, दोनों किनारों का, द्वैत की दोनों स्थितियों का जोड़ है। प्रकट का द्वैत अलग तरह का होता है, अप्रकट का द्वैत अलग तरह का, लेकिन द्वैत की स्थितियां विद्यमान रहती हैं। और इस द्वैत में ये द्वैत की एक अन्य सुंदर और गहरी स्थिति देखें, अनमैनिफेस्टेड और मैनिफेस्टेड का द्वैत, प्रकट और अप्रकट का, असंभूत और संभूत का द्वैत। अब वो है तो है, उसमें तो एक लय है, उसमें लय होनी ही है, लेकिन अगर उसको हम विभाजित करके देखेंगे, अगर हमारे अंदर विभाजन करने की दृष्टि आएगी, तो बहुत से खतरे पैदा होंगे। कितने संप्रदाय, कितने कल्ट ऐसी ही अवधारणाओं में फंस जाने के कारण कि उनके पास उपनिषदों की स्पष्टता नहीं थी, पता नहीं किस दिशा में निकल गए। चले तो थे सही की तरफ। अब जैसे कोई इन दोनों बातों में से किसी एक बात पर ज्यादा महत्व दे सकता है, कोई कहे कि जो अप्रकट है वो ज्यादा महत्व का है, जो अभी मैनिफेस्ट नहीं हुआ, अनमैनिफेस्ट है, असंभूत है, जो वो ले जाएगा निराकार की तरफ, वो ले जाएगा उस सत्ता की तरफ जिसको हम किसी आकार और रूप में नहीं बांधते। यहीं पर हमने कहा था कि उस अप्रकट की बहुत सारी परतें, जैसे कि अगर हम शरीर और मन का विभाजन करें, ड्युअलिटी के इस पैटर्न से हम देखें, तो हमारा मन असंभूत की तरफ चला जाएगा। उदाहरण के लिए समझे, कोई चीज फाइनल नहीं होती है, और शरीर संभूत की तरफ, प्रकट हो गया है, मैनिफेस्ट हो गया। लेकिन अगर गहरे तल से देखें तो मन भी उस चेतना का एक मैनिफेस्टेशन है, तो वो संभूत की तरफ भी चला जाएगा। यानी कि संभूत असंभूत, प्रकट और अप्रकट, इसकी खींचातानी हमारी दृष्टि और हमारी प्रज्ञा पर निर्भर करती है। हम कितना किसी भी बात को प्रकट देख पाते हैं। लेकिन यहां पर व्यवहारिकता के लिए उपनिषद के ऋषि मोटा मोटा विभाजन कर देंगे। वो कहेंगे ये हमको आगे बढ़ने के लिए, जीवन में विकसित होने के लिए देखना है। तब जो भी आंतरिक गुणधर्म होंगे, हमारे मन में चलते हुए विचार, हमारे अंदर भाव, हमारी समझ, हमारे बहुत सारे आंतरिक तल, वो सब अप्रकट की श्रेणी में आ जाएंगे, क्योंकि वो अभी दिखाई नहीं दे रहे हैं। गहरे अर्थ में जाएंगे तो वो अनमैनिफेस्ट का एक सूक्ष्म रूप हो भी चुके हैं मैनिफेस्ट, और अल्टीमेट
अनमैनिफेस्ट की तरफ जाएंगे, अप्रकट की तरफ, तब तो वो हो जाएगा शून्य। शून्य की बात जब उठाएंगे हम, यानी कि सोर्स, वो जो स्रोत है, तो उपनिषद ये ध्यान रखें वो बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, वो असंभूत में शून्य की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि शून्य या वो जो स्रोत, वो आधार, तो वहाँ पर तो सब कुछ लय हो जाता है, वहाँ कोई विरोध, विपरीत, विरोधाभास रहता नहीं, और शून्य की कोई अवधारणा बनती नहीं, उसकी कोई उपासना बनती नहीं, उससे ग्रस्तता संभव नहीं है। वो जिसको कहते हैं उपनिषद की वो अनिर्वचनीय और अव्याख्य और व्यापक, असीम और अनंत अवस्था है, तो इसलिए उसको हम इस समय छोड़ते हैं, उसको बस बीच बीच में समझने के लिए लाएंगे। यहाँ पर सूक्ष्म होती हुई स्थितियाँ जो अभी मनुष्य के लिए अप्रकट है, मनुष्य के लिए जो अप्रकट है, वो कहते हैं कि जो उनकी उपासना में रत है वो घोर अंधकार में प्रवेश कर जाता है। अब देखो, कई कल्ट जो हैं वो कहेंगे कि हम किसी ऐसी सत्ता को मानते हैं जो सत्ता न दिखाई देती है न हमारी पकड़ में आती है, वो है, लेकिन वो है कहते कहते भी उसको एक कोई शब्द में ही सही, विचार में ही सही कोई आकार दे देते हैं, यानी कि वो मनुष्य की ग्रस्तता जो है वो उसका पीछा नहीं छोड़ती, ऑब्सेशन उसका पीछा नहीं छोड़ता। नए पुराने चीज़ों की बात उठानी इसमें व्यर्थ है। जैसे उपनिषद जब अपनी बात लेकर चल रहे हैं तो वो यही कहेंगे कि जो अगर वास्तविक हम रिलीजन कहें तो वो यही इटर्नल विजडम है, यही सनातन प्रज्ञा है, बाकी अनमैनिफेस्टेड और मैनिफेस्टेड की ग्रस्तता से उपजे हुए तमाम कल्ट होंगे, उनकी अपनी समस्याएं होंगी, उनकी अपनी समस्याएं होंगी। कैसे, बात को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे तब समझ में आएगी। बातें कई बार उतनी जटिल होती नहीं, उनको शब्दों में ढालने में जटिलता जान पड़ती है। अगर हम गए उस सूक्ष्म की तरफ जो अभी हमको दिखाई नहीं दे रहा था, तो उसी में हमारा मन जो अभी दिखाई नहीं दे रहा है किसी को, उसी में आ जाएंगे हमारे भाव जो अभी किसी को दिखाई नहीं दे, जो प्रकट हो जाएंगे तो संभूत जगत का हिस्सा हो जाएंगे, अभी कहीं अंदर हैं। इन बातों पर ही सबसे मजबूती से पनपता है व्यक्ति का अहंकार। अहंकार वही वाला जिसकी मैं बार बार चर्चा करता हूँ, कहानियों वाला, स्टोरीज वाला, अपनी आइडेंटिटी को पकड़ के चलने वाला, अपनी पहचान को पकड़ के चलने वाला। इसीलिए उन कल्ट्स को अगर हम देखें जो किसी निराकार की तरफ बात कर रहे होते हैं, क्योंकि वो कहेंगे कि हम मैनिफेस्ट को क्यों माने, हम उसको क्यों देखें, उसको हम तो, हम तो किसी ऐसी सत्ता में यकीन कर रहे हैं, लेकिन वहीं पर फिर उनकी आइडेंटिटी बहुत ज़्यादा फिक्स्ड होगी, बहुत ज़्यादा फिक्स्ड आइडेंटिटी होगी, और उस पहचान के साथ एक अलग किस्म का अहंकार और एक अलग किस्म का टकराव पैदा हो जाएगा। अपने चारों तरफ के जगत में हम निगाह दौड़ाएं और उन कल्ट्स को देखें जो ऐसे किसी सत्ता में यकीन करते हैं। वो कहेंगे कि मान लो कोई ये कहता है कि हम किसी सदेह गुरु में यकीन नहीं करते, ये जो शब्द हैं, ये जो किताब है, यही गुरु है। बात तो सही है, शब्द फिर भी प्रकट हो चुके हैं, शब्द फिर भी प्रकट हो चुके हैं, तो शब्द प्रकट हुआ हो चाहे देह प्रकट हुई, दोनों में बहुत फासला नहीं है, लेकिन फिर भी मनुष्य की देह से उनको लगता है कि वो शायद कम प्रकट हैं। तो वहाँ पर भी एक ऐसा सिस्टम पैदा होगा, ऐसा व्यक्ति को अनुसरण उपासना में, कि वो बड़ा ही कठोर, कठिन और अपनी पहचान को बनाने का एक बड़ा ही मजबूत तरीका पैदा हो जाएगा।
अपनी पहचान लूज नहीं कर सकता व्यक्ति वहां पर, वो उसको मिटा नहीं सकता। फिर अगर कोई उन शब्दों को हटाए, उनको उनके बजाय वो किसी और सत्ता में यकीन करे, तो भी उसका जो अहंकार है वो इतना कठोर होता है, और फिर अपनी पहचान वो बिल्कुल अलग से निर्मित करेगा, क्योंकि कैसे खड़ा होगा व्यक्ति, खड़ा कैसे होगा, खड़ा तो मैनिफेस्ट के साथ होता है। तो अनमैनिफेस्ट में जब कोई बहुत रत होता है, अप्रकट में, उपनिषद के ऋषि कह रहे हैं, तो वो अप्रकट के बहाने अपने प्रकट अस्तित्व के साथ बहुत ही रुग्ण रूप से जुड़ जाता है, और वो उसके लिए एक बड़ा अंधकार पैदा करता है। दूसरी तरफ वो बात भी कह रहे हैं कि जो प्रकट मैनिफेस्ट का संभूत है, उसकी उपासना में रहते हैं, वो मानो और गहरे अंधकार में जाते हैं, वो मानो और गहरे अंधकार में चले जाते हैं, ऋषि ऐसा कह रहे हैं, क्योंकि वहां पर तो दिखाई ही देगा, हम जिस चीज को पकड़ने की कोशिश कर रहे होंगे वो हमको दिखाई ही देगी कि हम इसको पकड़ रहे हैं। हम वस्तुओं को पकड़ें, हम धन को पकड़ें, अपने रूप को पकड़ें, शरीर को, या जितनी भी चीज़ें, तो लोगों को ये तो साफ साफ दिखता है कि ये तो ग्रस्तता ऑब्सेशन बन रहा है। लेकिन पहले वाला ऑब्सेशन जो दिखाई ही नहीं देगा, जो ग्रस्तता दिखाई ही नहीं देगी अप्रकट के साथ जुड़ने में, घोर अंधकार तो वहाँ ही, वो तो वहां घोर अंधकार है ही, अभी तो इसको केवल ऐसे ही ऋषि समझा रहे हैं, क्योंकि मैंने अगले सूत्र का जिक्र इसलिए पहले कर दिया क्योंकि आगे वो दोनों को संतुलन में लाने की बात करेंगे, अप्रकट और प्रकट को। लेकिन किसी भी तरफ ग्रस्तता नहीं होनी चाहिए, इसको ऐसे देखें, अगर मन से ऑब्सेशन नहीं होना चाहिए, शरीर से ऑब्सेशन नहीं होना चाहिए, दोनों में किसी चीज से ऑब्सेशन क्यों होना चाहिए, मैनिफेस्ट अनमैनिफेस्ट में ऑब्सेशन कैसे होना चाहिए। धार्मिक जगत में अगर इस विडंबना को देखें तो बड़े साफ साफ नजर आती है। भारत में हमने निराकार और साकार दोनों किस्म की पूजा पद्धतियों का स्वीकार किया, निर्गुण सगुण जिनको हम सब कहते हैं, तो जब हमने साकार और इसको माना तो हमने मूर्तियां भी बनाई, हमने वो सब बनाया। भारतीय दर्शन और भारत के लोगों के लिए सब एक लीला था, खेल था, वो उससे ऑब्सेस्ड नहीं थे, हमेशा ध्यान रखें। इसीलिए भारत में मूर्तियों का बनाना और मिटाना दोनों सिखाया गया, सर्जन और विसर्जन यहाँ का एक खेल रहा है, क्योंकि वो कहते हैं दोनों से जुड़कर देख लो, खेल लो, समझ लो, जो चीज़ समझ में आए बाकी जाने दो। तो इसलिए साकार के प्रति भी यहाँ पर कोई ऑब्सेशन नहीं था, साकार है लेकिन ऑब्सेशन नहीं है, हम जुड़ते हैं, उसका आनंद लेते हैं और उसके आगे चले जाते हैं। फिर कुछ पंथ मजहब उन्होंने कहा कि हम निराकार में यकीन करें, मूर्तियां और ये सब साकार बिल्कुल व्यर्थ है। तो दोनों स्थितियों में हुआ क्या, एक युद्ध की स्थिति बनी। जो निराकार में ऑब्सेस्ड था, जिसको लग रहा था कि हमारी जो पूजा की पद्धति है, सिस्टम है, वो निराकार में यकीन करता है, हालांकि निराकार उतना निराकार उन लोगों का भी नहीं रहता है, वो भी उसका कुछ न कुछ आकार बना ही लेते हैं, तो उनको लगता है कि मूर्तियां हैं तो इनको हटाओ, तोड़ो, खत्म करो। उपनिषद के ऋषि ये तो नहीं कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जो उस ऑब्सेशन में है वो तो घोर अंधकार में है, साकार के खेल में अगर जरा सा भी चूके तो हम मानो और भी गहरे अंधकार में चले जाएंगे, मानो और भी गहरे अंधकार में चले जाएंगे। ये ऋषि कह रहे हैं, नहीं कह रहे हैं कि ये निश्चित तौर से बहुत गहरे अंधकार में जाएंगे, यानी घोर अंधकार में वो भी हैं, घोर अंधकार में ये भी हैं। ये दो स्थितियां, तो इनसे देखिए धर्म जगत में कितना टकराव और कितनी मारामारी हो गई। और यहां पर जो रोचक तथ्य है, जब मैं देखता हूं कि जो निराकार में यकीन करने वाले लोग हैं, उनकी पहचान तो बिल्कुल मिलिटेंसी वाली हो जाएगी, वो बिल्कुल एक आक्रामक मिलिटेंट अंदाज में अपनी पहचान को बनाएंगे। अब पहचान तो संभूत हो गई, मैनिफेस्ट हो गई,
निराकार के साथ चलकर हम अपनी पहचान को इतना जड़ बना लेंगे, ये कितनी हैरान करने वाली। और यही अंधकार है, उपनिषद के ऋषि के अनुसार यही घोर अंधकार है। हम देख सकते हैं कि ये ऐसा है, ये और ये ऐसा है, ये देखा जा सकता है। मूल बात है आज के संदर्भ में जो हमको देखनी है कि किसी भी तरह का ऑब्सेशन हटाना है, किसी भी तरह की ग्रस्तता हटानी है, किसी भी विचार से कोई ऑब्सेशन नहीं होना चाहिए, किसी भी व्यवस्था से कोई ऑब्सेशन नहीं होना चाहिए, ग्रस्तता नहीं होनी चाहिए। क्योंकि अगर हम ग्रस्त होंगे तो एक को सही दूसरे को गलत सिद्ध करेंगे। जैसे ही कोई ये कहना शुरू करे कि मेरे अनुसार या मेरे ढंग में ये चीज़ ऐसे होती है, तो बस वो गलत की तरफ निकल गया, वो युद्ध की तरफ निकल गया। कितनी बार मैं जिक्र करता हूँ, जब कोई किसी पंथ कल्ट का व्यक्ति होता है और वो कहता कि मेरे बात तो कहता मेरा धर्म, लेकिन मैं उनको धर्म नहीं कहता, मैं उनको एक कल्ट ही कहता हूँ, कि मेरे धर्म में, उसको कल्ट समझिएगा, जब वो लोग ऐसे ही बोलते हैं कि मेरे धर्म में इसको ऐसे कहा गया है, इसका क्या मतलब है मेरा धर्म और तेरा धर्म? धर्म तो एक ही हो सकता है, मेरा तेरा तो कुछ होता नहीं। लेकिन जैसे ही हम ये कहेंगे तो हम युद्ध का निर्माण कर देंगे, हम एक डिविसिव जो मेंटेलिटी है उसको सामने रख देंगे। और ये है इन्हीं ग्रस्तताओं के कारण, इन्हीं ऑब्सेशंस के कारण कि हमारे विचार, और फिर जैसे अर्थ कोई एब्सोल्यूट नहीं होता, कोई भी अर्थ, अब उपनिषद का सूत्र हमने सामने रखा, तो क्या कोई ये कह सकता है कि उपनिषद के इस सूत्र का यही अल्टीमेट मीनिंग है? नहीं, मैं भी ये नहीं कहूँगा। मैं भी यही कह सकता हूँ कि मैं जो इसको देख रहा हूँ, मैंने जैसा इसको देखा वैसा। अर्थ खोले जा सकते हैं, अर्थों का जो प्रकटीकरण है वो अनेक अनेक रूपों में हो सकता है, इसीलिए किसी भी अर्थ को हम फाइनल नहीं कह सकते। हाँ, उस फार्मूले को हम कह सकते हैं कि अल्टीमेट है। अल्टीमेट का मतलब भी ये नहीं होता कि इसको अब हम इंटरप्रेट और एनालाइज नहीं करेंगे। अब उपनिषद के इस सूत्र को अगर हम कहेंगे, एक अल्टीमेट एक्सप्रेशन है ह्यूमन साइकोलॉजी का, तो है। लेकिन अब उस अल्टीमेट एक्सप्रेशन को, उस आत्यंतिक अभिव्यक्ति को समझने के लिए हम प्रयास करते रहेंगे, नए नए ज्ञान के जो धरातल हैं वो विकसित होते रहेंगे, नई टर्मिनोलॉजी आती रहेंगी, तो उनके अनुसार फिर हम इनको नए नए ढंग से सामने रखेंगे, उनको नए ढंग से समझने की चेष्टा करेंगे। मूल बात यहाँ पर जो उपनिषद के ऋषियों ने कर दी कि सूक्ष्म और स्थूल दोनों स्थितियाँ जीवन में रहती हैं, उनको उनकी अपनी जगह पड़ा रहने दीजिए, किसी भी चीज़ से ग्रस्त मत होइए। ग्रस्त होंगे तो अंधकार और अज्ञान निश्चित है। अगर हम किसी को ये कहने लगे कि नहीं, हम तो मन की सुंदरता पर ही पूरा ध्यान देंगे, तो हम शरीर को नष्ट करने वाले बन जाएंगे। अगर हम अलग से ये कहेंगे कि हम शरीर की सुंदरता पर पूरा ध्यान देंगे, तो हम मन को नष्ट करने वाले बन जाएंगे। तो हमको एक होलिस्टिक इंटीग्रेटेड अप्रोच लेनी पड़ेगी, एक टोटल अप्रोच लेनी पड़ती है कि हम दोनों चीज़ों को देखें, दोनों चीज़ों के संतुलन की तरफ जाएं। हमको इस बात में नहीं उलझना है कि विभाजन पैदा करके हम किसी चीज़ को देखें। जो अभी प्रकट नहीं हुआ है वो भी उतना ही महत्वपूर्ण है, और जो प्रकट हो गया है वो भी उतना ही महत्वपूर्ण है। दोनों के महत्व को देखना, वो चीज़ हमारे जीवन में लानी है। अब धार्मिक जगत में इस जो ये गुत्थी उठाई है ना उपनिषद के ऋषियों ने, इतनी कलह रही है इन्हीं बातों को लेकर, और उस कलह में कितनी चीज़ें नष्ट होती चली गई हैं, असंभूत और संभूत, अप्रकट और प्रकट के फेर में।
उपनिषद के ऋषि कहना चाह रहे हैं कि टोटेलिटी में हमको जीवन को देखना है, समग्रता में देखना है। जीवन समग्रता में है, जीवन बटा हुआ नहीं है। और फिर जिस चीज की चर्चा भी यहाँ पर उन्होंने नहीं की ऋषियों ने, क्योंकि वो उस समय विकसित हो रही थी सारी ज्ञान की धारा, ये जो अप्रकट और प्रकट के धरातल हैं ये फैलते चले जाएंगे। जो आज अप्रकट है कल को प्रकट हो जाएगा, तो वो धरातल व्यापक होता जाएगा। आज अगर हम आकाश में देखें तो हमारे लिए बहुत सारे तारे, बहुत सारी आकाश गंगाएं अप्रकट थी। आज हम उस यंत्र को बना पाए कि हमने उसको देखा तो हमारे लिए वो प्रकट हो गए। तो जो अभी हमको नहीं दिख रहा है, ऐसा नहीं है कि वो जो अप्रकट है वो अप्रकट ही बना रहेगा। हमारे बुद्धि के विकास से, हमारे जो भी जीवन की प्रज्ञा है उसके विकास से वो प्रकट में आता रहेगा। जैसे भाषा, भाव अप्रकट हैं, वो हमारे शरीर से दिखेंगे, प्रकट भी होंगे, आँखों में दिखेंगे, शरीर में दिखेंगे, लेकिन जितनी भाषा कुशलता से विकसित होती गई, जो अप्रकट भाव थे वो प्रकट होते चले गए। तो अगर कोई पहले किसी बात को कोई कह रहा था कि इसको नहीं कहा जा सकता, तो आज हो सकता है उसको हम किसी ढंग से कह सकते हों। उसको कहने के हमने हो सकता है नए तरीके ढूंढ लिए हों, उन पर हम नए ढंग से फोकस कर सकते हों, ये आज की तारीख में संभव है। तो इसीलिए ये जो ज्ञान भी है ऋषियों का, ये एक अलग ढंग से इवॉल्व होता है, विकसित होता है। हर चीज़ वैसी ही नहीं रहती जैसी पहले थी, वो आज के धरातल में नए ढंग से हमारे सामने आ जाएगी। ये अप्रकट और प्रकट का ही खेल है। व्यक्ति, हम किसको विकसित कहते हैं, उस व्यक्ति को हम बहुत विकसित नहीं कहते जो किसी भी एक पहलू से ऑब्सेस्ड हो गया है, ग्रस्त हो गया है। विकसित व्यक्ति हम उसको कहते हैं जो अब उन सूक्ष्म धरातलों को, अपने अंतर जगत के उन पहलुओं को जो अप्रकट रहा करते थे, उनको प्रकट करने में सक्षम है, कुशल हो रहा है। अप्रकट को प्रकट की तरफ वो ला रहा है। अब प्रकट के साथ ऑब्सेशन, यानी मैनिफेस्ट के साथ ऑब्सेशन क्या करेगा, नए को जगह नहीं देगा। अगर कोई एक मैनिफेस्ट के साथ ऑब्सेस्ड हो जाएगा तो जैसे ऋषि कहते हैं, वो मानो और घोर अंधकार में चले जाएंगे। वो इसलिए चले जाएंगे कि जब कोई और परत अप्रकट की, अनमैनिफेस्ट की खुलकर प्रकट में शामिल होगी, तो वो उसको स्वीकार करने में विचलित हो जाएंगे। विचारधाराएं जड़ क्यों हो जाती हैं, डेड क्यों हो जाती हैं, क्योंकि विचारधाराएं चाहती हैं कि उसको लॉक कर दिया जाए। कोई भी विचारधारा होती है वो सोचती है इसको लॉक कर दिया जाए, बस ये फाइनल। लेकिन अभी उसको और स्पष्टता दी जा सकती, और अच्छे से समझाया जा सकता है, तब क्या होगा? तो हमको जगह देनी पड़ेगी, ग्रस्तता को हटाना पड़ेगा, ऑब्सेशन को हटाना पड़ेगा। उस ऑब्सेशन को जब हटा लेंगे तो कुछ नई संभावना पकड़ जाएगी। अब जैसे प्रकट के ही दोनों उदाहरण हैं, लेकिन अनमैनिफेस्टेड और मैनिफेस्टेड के उदाहरण में उसको समझें। जैसे सोना है, गोल्ड है तो गोल्ड गोल्ड, लेकिन इसको अगर उदाहरण के लिए देखें कि गोल्ड को हम एक अनमैनिफेस्टेड फील्ड की तरह देखें, तो जो उससे हम आभूषण बना रहे हैं, रिंग बनाएं, चेन बनाएं, कोई और चीज़ बनाएं, कुछ भी बनाएं, कितने आभूषण होते हैं, अनगिनत। और फिर हम कहें कि ये जो रिंग है, मुझको ये रिंग ऐसी ही रिंग बना के रखनी है, उसको हमें कहीं से बदलना नहीं, और हमारे पास वो गोल्ड उतना ही है। तो अब हम किसी नई चीज़ का निर्माण नहीं करेंगे, नई चीज़ का निर्माण करने के लिए उसको मेल्ट कर देना पड़ेगा।
अर्थात अगर हम देखेंगे किसी चीज़ को जो गोल्ड ऑब्जेक्ट्स हैं, तो देखने के लिए तो वो लगेगा कि ये मैनिफेस्टेड जो अप्रकट है, ये है, ये है, ये है। अनमैनिफेस्टेड के एंगल से अगर देखेंगे वो सब गोल्ड है, सब गोल्ड है। तो हम उसको मेल्ट कर देंगे तो नई चीज़ बन जाएगी। तो ऐसे ही चिंतन जो है, व्यक्ति की प्रज्ञा है, उसकी जो मनीषा है, वो गोल्ड की तरह अनमैनिफेस्टेड धरातल पर खड़ी हुई है। विचार हैं, विचारधाराएं हैं, तमाम तरह के मत हैं, जब वो आते हैं संसार में उपयोगी होते हैं, काम चलाऊ होते हैं, लेकिन वो गोल्ड ऑब्जेक्ट की तरह होते हैं। उन पर पकड़ ना बनाकर उनको मेल्ट होने देना पड़ता है। एक बिंदु आता है जब हम उनको मेल्ट होने देते, तब कुछ नया बन जाता है। कुछ समय तो उनका हम आनंद लेते हैं। अब वो ऑब्जेक्ट बेकार नहीं, लेकिन कोई कहे कि हम रोज ही उनको मेल्ट कर रहे हैं बैठ के, तो उपनिषद के हिसाब से वो भी विक्षिप्तता हो जाएगी। अभी अभी आप एक रिंग लाए थे, अभी अभी आप कुछ कान में पहनने का, गले में पहनने का आभूषण लाए थे, पहनिए कुछ दिन, आनंद लीजिए उसका। और फिर जब आपको लगता है कि नहीं कुछ नया चाहिए, तो बड़े आराम से हम जाते हैं, कहते हैं कि ये कभी है तो हम एक्सचेंज कर लेते हैं। जैसे पुराने समय में जो ज़्यादा उस तरह का मेकिंग होती थी, तो उसी को वो पिघला देते थे, फिर कुछ नया बना देते थे, हम आराम से उसको चेंज कर देते थे। तो मनुष्यता में भी विचार, विचारधाराएं, दर्शन, फिलोसफीज, ये सब ऐसे ही गोल्ड ऑब्जेक्ट की तरह ही होती हैं। इनको वैसे ही होना चाहिए जिनको वक्त वक्त पर हमें उस अस्तित्व की भट्टी में पिघला देना होता है, ताकि फिर कुछ नया रचा जा सके। होगा उसमें वही गोल्ड, होगा वही अव्यक्त, होगा वही शाश्वत, होगा वही शून्य, होगी वही जो सर्वव्यापी चेतना है, लेकिन स्वरूप बदल जाएगा, ढांचा बदल जाएगा, अभिव्यक्ति का धरातल बदल जाएगा, तब सारी चीज़ें बड़ी खूबसूरत हो जाएंगी। संसार खूबसूरत नहीं हो पाया है, खूबसूरत ऐसा नहीं कि खूबसूरत नहीं, बहुत खूबसूरत है, लेकिन और खूबसूरत हो सकता था अगर ये पकड़, ये ऑब्सेशन छूट जाता। शुरुआत तो हुई समझ से, लेकिन समझ के साथ भी व्यक्ति जब ऑब्सेस्ड हो जाता है, ग्रस्त हो जाता है, तो ऐसे ही वो बिल्कुल जकड़ के बैठ जाता है। उपनिषद का ये जो ज्ञान है, इसीलिए ये शिखर है मनुष्य की प्रज्ञा का, क्योंकि मनोवैज्ञानिक बात भी करे, ये पूरी साइकोलॉजिकल विजडम है कि दोनों तलों को चलने दो, किसी भी चीज़ से ग्रस्त मत हो, और जब ये सब चीज़ विदा कर दोगे तो हमेशा नए की संभावना रहेगी, हमेशा कुछ नया जीवन में प्रकट होगा, नई खिलावट आएगी, नए ढंग आएंगे जो ज़्यादा खूबसूरत होंगे, बेहतर होंगे। इसीलिए किसी चीज़ को ढोए चले जाने की ज़रूरत नहीं है, और किसी चीज़ को फेंक देने की ज़रूरत भी नहीं। सम्मानपूर्वक उसको हम देखते हैं, प्रकट अप्रकट के सारे द्वंद्व को, मैनिफेस्टेड अनमैनिफेस्टेड के कितनी भी इसकी लेयर्स हों, उनको हम बस देखते हैं, उनको उनकी जगह पर बस इंजॉय करते हैं, और वक्त वक्त पर उसमें बदलाव को घटने देते हैं, तब जीवन ज़्यादा सुंदर हो जाता है। तो ये जो सूत्र है, ये एक ऑब्सेशन फ्री ह्यूमन माइंड, ऑब्सेशन फ्री वर्ल्ड, ग्रस्तता से मुक्त मनुष्य और ग्रस्तता से मुक्त संसार के लिए हमारे सामने उस सारी प्रज्ञा को रखता है, जो कि आज के समय के लिए बहुत ही आवश्यक है। ऑब्सेशन फ्री विजडम, ऑब्सेशन फ्री इंटेलिजेंस, ऑब्सेशन फ्री ह्यूमैनिटी, ये इस समय की मांग है। तो उपनिषद के ऋषि इतने पहले इस मनोविज्ञान को समझकर इन बातों को कह पा रहे थे, ये इतना सुंदर है और इतना अभिभूत करने वाला है।
है।